अजमेर जेल एंड अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने कोविड 19 के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सहित अन्य मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नाराज नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि सीएम की ओर से डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। डॉक्टर्स को यह राशि मिल चुकी है, लेकिन नर्सिंग कर्मियों को अभी भी यह राशि नहीं मिली। साथ ही उन्होंने नर्सिंग भर्ती 2018 में जल्द नियुक्ति की मांग की। कोविड 19 के चलते राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हमारे चिकित्सा वर्ग के लिए, जैसे चिकित्सकों के लिए 5,000 रुपये और हमारे नर्सिंग कर्मियों के लिए 2,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि का घोषणा करी थी, जो आज दिनांक तक हमें नहीं मिल पाई है, जबकि डॉक्टर्स को वो प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी गई है। और हमने इस विषय को लेकर बार बार चिकित्सालय प्रशासन को हमने अवगत करवा दिया है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और हमारी दूसरी मुख्य मांग ये है कि नर्सेज भर्ती 2018 जिसकी POP लिस्ट 28 अप्रैल को आ चुकी है, जिसकी आज दिनांक तक जो उनको 29 अप्रैल को हमारा प्रोबेशन स्टार्ट किया जाए और 29 अप्रैल से ज्वाइनिंग डेट मानी जाए, जबकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर हमने यहाँ कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री माननीय रघु शर्मा जी और मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को इसके माध्यम से हम ये सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देके हमारा हौसला बढ़ाए, जिससे हम कोरोना में और हौसले से काम कर सकें और कोरोना को हरा सकें। राजेश मीणा, जिला अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, अजमेर।